आज की वीडियो में बात न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की करते हैं। आज उनके कुछ ऐसे डिबेट्स देखेंगे जिनमें नेताओं ने अमीश को फटकार लगाई हो। न्यूज 18 पर यूपी के चुनावों के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर असीम वकार से सवाल किया, जिस पर असीम वकार ने अमीश को महंगाई की बात ना करने पर फटकार लगा दी। मेरा सवाल यह है कि जब अब्बा जान की बात हो रही है तो पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है ये कॉम्युनल एजेंडा है, ठीक है मान लिया ये कॉम्युनल एजेंडा है। जब ये कहा जाता है कि मुसलमान वोट डिवाइड कराने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, मुसलमान वोट डिवाइड करने के लिए पूरा खेल करा जा रहा है, तो वो कॉम्युनल एजेंडा क्यों नहीं है? अब्बा जान, पिताजी, डैडी, पापा, अगर इस तरह से राजनीति होगी अमीश देवगन जी और आप जैसे पत्रकार, अगर अम्मी पापा मम्मी डैडी पर बहस करेंगे, अब्बा पर बहस करेंगे, तो ये बता दीजिए कि देश की बात कौन करेगा। नहीं, किसी चीज से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस बात की है कि महंगाई चरम पर है, आप अब्बा जान लेके बैठे हैं। साहब, आपको 3-4 लाख सैलरी मिलती होगी, आप उस आदमी से पूछिए अमीश भाई जो आप ही के चैनल में 40,000-42,000 ना आप रिश्तेदार हैं, ना आप कार्यकर्ता हैं, ना आप उनकी टीम के आदमी हैं, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा तो विषय है उसके ऊपर, आपको तकलीफ किससे है? मुझे तो तकलीफ आपकी समझ नहीं आ रही। न्यूज 18 पर धर्म की राजनीति के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में आचार्य प्रमोद कृष्णम जब अमीश के सवालों का जवाब दे रहे थे तो उन्हें बार बार बीच में टोका गया, जिस पर वे अमीश को डांट लगाते नजर आए। आप भी अपनी सीमाओं को पार कर रहे हैं। मेरा सवाल समित पात्रा से, भाजपा के प्रवक्ता ये हैं शहजाद पूनावाला, ठीक है, पहले बताइए ना, वो अपनी बात को रखना चाहते हैं। अच्छा, भाजपा का प्रवक्ता है, आपका प्रवक्ता समित पात्रा है, वो भी अपने बात पर चला गया। अमीश देवगन, मैंने सवाल किससे किया? अच्छा, देखिए, आप समित पात्रा से किया, मेरा जवाब नहीं बचा है। देखिए क्या हो गया, देखिए ये असली चेहरा, ये असली चेहरा है। आपका माइक छोड़ो ना, माइक के बाहर में जवाब दो। अरे क्या, ऐसे कैसे हमारे लिए तो यही है, क्या तरीका है? अच्छा ठीक है, एक सेकंड, अरे बिल्कुल कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही, एक सेकंड, देखिए आप पहले वो 30 सेकंड बोल रहे, फिर मैं उनके पास जा रहा हूँ। मेरा निवेदन मानिए, मेरा ही निवेदन मानिए, बोलिए आप, बोलिए आप, बोलिए। अच्छा अच्छा जी, रुकिए रुकिए, आचार्य जी ऐसे, अरे राहुल ये क्या तरीका है। न्यूज 18 पर एक डिबेट आतंकवाद के मुद्दे पर हुई। इस डिबेट में एंकर ने नेता अनुराग भदौरिया से सवाल किया, जिस पर जब वे अमीश के सवालों का जवाब दे रहे थे तो अमीश ने बीच में टोका, इस पर नेता ने उन्हें फटकार लगा दी। अनुराग भदौरिया, आपकी पार्टी के सांसद ने तो सबसे पहले इसके तालिबान के पक्ष में अपनी आवाज उठाई, उन्होंने नहीं उनके सपुत्र ने भी इस पे आवाज उठाई। क्या आपको लगता है कि भारत का स्टैंड लगभग स्पष्ट है? देखिए अमीश जी, पहली बात तो आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया मैं उसका खंडन करता हूँ। उन्होंने बोला था और उनकी बात को गलत तरह से पेश किया गया, तो उन्होंने उसका खंडन भी किया कि हमारी गलत तरह से पेश किया जा रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा मीडिया से भी कि राष्ट्र के साथ मत खेला करो, बात बाकी हर चीज के साथ खेलो, अच्छी बात है। एक बात लेकिन आपने मीडिया पे आता ही बोला कि मीडिया पे ठीकरा फोड़ दिया, ये सबसे आसान तरीका है कि हमारे नेता ने कुछ बोला, मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया। मीडिया बिल्कुल नहीं जी, आपके नेता ने आपके सांसद ने ये बोला। यार आपके साथ दिक्कत है? नहीं, मेरे साथ तो मेरे साथ 100 दिक्कतें हो सकती है, लेकिन शफीकुर रहमान बर्क के साथ कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो अल्लाह के बनाए हुए ऐसे बच्चे हैं कि जो बहुत बिल्कुल सही बात करते हैं, मीडिया ही गलत है। सारे चैनल गलत, 100 चैनल गलत है, 50 अखबार। किसान महापंचायत के मुद्दे पर न्यूज 18 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में संबित और सुमैया राणा के बीच तीखी बहस जारी थी। जब एंकर अमीश ने सुमैया को बीच में टोका तो सुमैया राणा ने अमीश को सुना दिया। और आप देखिए आपने किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया है, तू तड़ाक, तुम इसको चुप बिठा दो, वो भी प्रवक्ता है पार्टी के, आप भी प्रवक्ता है अपनी पार्टी के, आप अपने विषय को रखें, वो अपने विषय को रखेंगे। सेक्युलरिज्म के ऊपर डिबेट जब हुई तब समित पात्रा उस विषय को लेकर आए जो मुकेश शर्मा और समित पात्रा के बीच में हुई बहस। लेकिन आपका जो विषय है, आपसे सवाल मैंने पूछा, राकेश टिकैत को अपनी पार्टी में शामिल करा लीजिए, चुनाव लड़वा लीजिए, जब पॉलिटिकल एजेंडा ही चलवाना है तो बोलिए। जो मुस्तकिल सिर्फ नमाज पे बात कर रहा है, अल्लाह अकबर पे बात कर रहा है, उनसे ज्यादा तो नमाज पर आप बात कर रही हैं, उससे ज्यादा तो अल्लाह अकबर पे आप बात कर रही हैं। मैं आपसे किसान पे सवाल पूछ रहा हूँ, आप अल्लाह अकबर और नमाज पे बोलना चाह रही हैं। मैंने आप पे राकेश टिकैत से सवाल पूछा। दूसरी रही बात किसानों की, राकेश टिकैत को अपनी पार्टी में शामिल क्यों नहीं करवा लेती अगर पॉलिटिकल एजेंडा ही चलाना है तो? पार्टी है हमारे तमाम, आप मेरी बात सुनिए। जी मैडम बोलिए। लेकिन अब वहाँ पर आप लेकिन वहाँ पर किसान, वहाँ पे लोगों ने, वहाँ पर किसान की तो बात, मैडम वहाँ पर किसान की तो बात ही नहीं हुई ना। वहाँ पर उल्टी की योगी भारी है, मोदी भारी है, अमित शाह भारी है, क्या वो इस देश के नहीं है? आपको अमीश के डिबेट्स कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।
ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।